ठीक है, अब बातें ना करते हुए हम लोग आगे की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वर्ण। आप ये कहेंगे कि वर्ण क्यों? देखिए, जब हम कोई भी कार्य करते हैं, आप अपने माध्यम को बोलते हैं, हम लोग, मान लीजिए मुझे आपको, आप तक अपने विचारों को रखना है, आपको अपनी बात को बताना है, तो उस समय जो भी आपको बातें मुझे बतानी होंगी वो किस माध्यम से आएंगी? भाषा के माध्यम से। और भाषा का वह सबसे छोटा माध्यम जिसका कोई विभाजन ना हो सके वो वर्ण कहलाता है। इसीलिए हम आज की शुरुआत आपकी वर्ण से ही करते हैं। जैसे कि हमारे साथ ये बीच में प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग। अरुण जी, हाँ, फर्स्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और संजय जी, धन्यवाद। भी आप सभी के कमेंट देकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्लासेस में। हाँ, वर्ण वर्ण जो होते हैं वो आपके संस्कृत में तीन प्रकार के कहे जाते हैं। कौन कौन से होंगे? स्वर, व्यंजन स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अयोगवाह ज्यादातर क्या होता है संस्कृत में कि जब हमसे पूछे जाते हैं कि व्यंजन, ये वर्ण आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो उस समय आप ज्यादातर विसर्ग बता देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। विसर्ग हो या अनुस्वार हो, वह आपके अयोगवाह के अंतर्गत ही जाते हैं। तो ये आपके वर्ण तीन प्रकार के हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब स्वर क्या है? शुरुआत हम इस स्वर से ही कर लेते हैं, ठीक है, कि स्वर है क्या? स्वरों को हम अच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच। अब ये कहेंगे कि अच क्या है, तो हम आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे। माहेश्वर सूत्रों में आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं कि आपके अयोड, ऋलृक आदि, ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र आएंगे। वो इनके वर्णों के साथ, वर्ण पूरे होने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे। तो उस बीच में सबसे पहले आपके अच ही आते हैं, और अच को क्या कहा जाता है? स्वर। जो स्वर होते हैं उन्हें बोलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किस तरह से बोलेंगे आप? सीधे जो भी आपको आ बोलेंगे तो आ का मतलब आ ही होगा। अगर हम बोलते हैं आ, तो ए प्लस ए बराबर आ। तो स्वरों को बोलने के लिए हमें अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, हमारे साथ ईशिमा, थैंक्स। ये सीटेट की क्लासेस बेटे जो आप पूछ रही हैं, सीटेट की क्लासेस आपकी इस क्लासेस के बाद होगी 12 बजे से। स्वर अच जिसको बोलते हैं, तो अच में आपके मुख्य जो अच आएंगे वो आएंगे 9, ए ई उ री, लिरी, ए ओ, री लिरी ए ओ आई आई और औ। ये आपकी, एक सेकेंड बेटे, आपका हम ले लेते हैं, इसमें थोड़ा इरेज कर देते हैं क्योंकि ये बार बार होकर आ रहा है। ठीक है, आए और आओ। ये लिरे है, ये आपके मेन अच जो भी आते हैं वो आपके ए ई उ री लिरी ए ओ आए आओ, ये आपके कौन से स्वर हैं? ये आपके मुख्य स्वर कहे जाएंगे।
इसके अलावा अब हम जब स्वरों के साथ हम आते हैं तो कई बार हमारे सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है। एक सेकंड, हमारे सामने एक सवाल आता है, क्या आता है कि हाँ कि इसमें जो आपको एक क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप सभी उसका कमेंट दीजिएगा कि ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कौन सा है, ह्रस्व स्वर कौन सा है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। तो इसके आपके चार ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन उन्होंने दिया क, दूसरा दिया आपका आ, तीसरा दिया आपका ल्र, चौथा दिया आपका ए। अब आपके पास ये चार ऑप्शन है, अब इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए मुझे कि इनमें से आपका राइट आंसर क्या है। वो सही आंसर है ये, लेकिन ये आया किस तरह से है, ये मैं जिन बच्चों का गलत है, जो स्टूडेंट सही जवाब नहीं दे पाए हैं, उनका बताना चाहूंगी। देखिए क, क तो आप देखते ही पता, आप सभी को पता लग जाएगा कि ये व्यंजन है, ये व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए इसको तो आप कट कर ही देंगे, इसे तो बिना सोचे समझे जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे साथ वो सभी अपने आप कट कर देंगे। दूसरा है आ, आ आपका दीर्घ स्वर है तो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन ल्र और ए, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे क्योंकि ए भी ह्रस्व में है और ल्र भी। लेकिन यदि हम ए को लेते हैं तो ए हमारा दो स्वरों से मिलकर बना है, ठीक है, ये हमारा ए प्लस ई, इन दो शब्दों के योग से ए बना है, ये वाला वर्ड आपका, ठीक है, इस कारण से ए नहीं होगा। लिरी शब्द आपका अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र है, तो इस कारण से यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है अच्छे से, क्योंकि बच्चे इन क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं और ज़्यादातर गलत करके आते हैं, सी टेट में भी कई बार ये आया है, और इसके साथ साथ ये आपका यूपी टेट के साथ साथ यदि हम आपका लेके जाते हैं टीजीटी, पीजीटी, तो उसमें भी ये गलत हुआ है बहुत जगह, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हाँ भी हम वर्ण ही करा रहे थे, वर्ण में आपके स्वर बता रहे थे, स्वर जिनको कि अच भी बोला जाता है, ठीक है, वर्ण, वर्ण में आपका पहला पॉइंट था स्वर, स्वर के में भी अच को बता रहे थे। अब अच देखिए अपने आप में अच तो आ गया भाई, ए आ ई ई उ उ ए आए ओ आओ, ये आपके पास वर्ड हैं। अब इसमें ह्रस्व और दीर्घ हमें चुनने हैं, ह्रस्व और दीर्घ। हाँ भाई आप अपने कमेंट में ये चुनिए फटाफट कि पहले ह्रस्व के वर्ण बताइए, ह्रस्व के वर्ण बताइए। सविता गौतम जी गुड मॉर्निंग बेटे, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, इसमें हम ये जो हमने नीचे स्वर लिखे हुए हैं इसमें के पहले केवल ह्रस्व वर्ण को चुनकर बताइए कि ह्रस्व वर्ण आपके कौन से हैं। की क्लासेस है संस्कृत की क्लासेस में, मैं ये वर्ण है तो केवल हिंदी में बताए जा रहे हैं, कम से कम आप मेन भाषा का प्रयोग करिए, ए ई यू इस तरह से इंग्लिश में मत लिखिए, क्योंकि जो भाषा होती है कोई भी भाषा, देखिए खाली संस्कृत ही नहीं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, फारसी हो, जो भी भाषा हो आपकी, मैं समझती हूँ कि उस समय पेपर में आपको पर्टिकुलर उसी भाषा के साथ आपको लिया जाएगा, तो थोड़ा बहुत आप टाइपिंग में उन्हीं वर्डों का यूज़ करें, इंग्लिश का यूज़ ना करें, ए ई उ री ली री। हाँ भाई अब ये वाले आपके ह्रस्व में आ चुके हैं, ए ई उ,
हाँ भैया अभी और वर्ड भी लिखिए इसमें, और कौन सा लिया है आपने, निरी ले लिया और री ले लिया, ठीक है। और बताइए, अरे भाई अभी तो और भी वर्ड रह गए हैं, इसमें दीर्घ में आ आएगा, दीर्घ ई आएगा, दीर्घ उ आएगा, दीर्घ ए आएगा और दीर्घ औ ये आएगा आपका, ठीक है। लेकिन जो ह्रस्व है, अब ये तो आपके चले गए, बच गया आपका एक तो ए, इसके अलावा बच गया आपका ओ। तो ये दोनों वर्ड संयुक्त है, मैं मानती हूं स्वरों के अंदर संयुक्त है, लेकिन आपके ए और औ ये दो वर्ड आपके ह्रस्व में ही जाएंगे, ए और औ ये आपके ह्रस्व में ही जाएंगे, ठीक है। इधर ले लेते हैं हम इसे, ये आपके ह्रस्व और दीर्घ का आपने देख लिया कि ह्रस्व में आपके ए, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ ये आपके ह्रस्व में है, और दीर्घ में आपके आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ए और दीर्घ औ ये आपके हैं, ठीक है। ये आपके सभी स्वर हैं, देखिए मुख्य स्वर मैंने 9 बताए थे संस्कृत में, ये सही है, लेकिन जो संयुक्त होकर आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन है स्वर क्या हिस्सा ही, तो वो आपके स्वरों में ही आएंगे, लेकिन ह्रस्व और दीर्घ का फर्क जरूर आ जाएगा, वो अभी हम आपको स्वरों के भेद में बताते हैं, क्योंकि स्वरों से संबंधित एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज ये वर्ण है, वर्णमाला में क्या होगा कि आप खो जाएंगे, स्वर भी, व्यंजन भी और अयोग वाह भी। तो इसलिए एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। दीर्घ आ, ई, उ, ए, औ। अनुराधा जी बिल्कुल सही जवाब आपका, दशरथ यादव बिल्कुल सही जवाब। ये आपने ये नहीं बताया कि आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ए, दीर्घ औ, ए और औ, ये जो आपने लिखा है ये दीर्घ में है या ह्रस्व में है, दशरथ ये पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ है, इसे आप क्लियर कीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं स्वरों के भेद। स्वर देखिए, स्वर हमने आपको बताया, स्वर सभी को समझ में आ चुके होंगे, मैं जितना समझती हूँ कि स्वर क्या है, वो स्वतंत्र इकाई वर्ण की या किसी भी पद की जिसका कोई विभाजन नहीं किया जा सकता, किसी भी भाषा का वह सबसे छोटा रूप जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, जिसके लिए आप किसी को भी, मतलब पर्टिकुलर जो भी आपको स्वतंत्र रूप से जिसका आप विभाजन करने कर ही नहीं सकते कहीं भी जाकर, वो आपके स्वर कहलाए जाते हैं। लेकिन खाली स्वर एक ही तरह के तो नहीं होते, अब सवाल यह है कि स्वर क्या है, तो स्वर में उसके कई भेद हो जाते हैं, तो उन स्वरों के अब हम भेदों को देखते हैं, ठीक है। स्वरों के भेद या आप इसे स्वर भेद भी लिख सकते हो, स्वर भेद, ठीक है, स्वर भेद भी आप हमें लिख सकते हैं। मोहित जी ह्रस्व दीर्घ प्लुत, बहुत बढ़िया, बहुत अकु विसर्जनीय कंठा, ये आपने जो लिखा है ये वीरू जी कि अकुहु विप्र नहीं होता, अकुहु विसर्जनीय कंठा होता है, अकुहु विसर्जनीय कंठा, इचुष्यानाम तालव्य उपध्यमान ओष्ठ्यो, आप सही लिखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये वर्णों के उच्चारण स्थान का सूत्र है जो आप लिख रहे हैं वीरू जी, लिख तो लेकिन आपने कोशिश अच्छी की है, इस बात की खुशी है कि आप जो लिख रहे हैं उसकी आपकी कोशिश अच्छी है, किंतु ये अकोह विसर्जनीय कंठ ये होता है, इसमें आपका अकार, कवर्ग और है ये आपके कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने कहा
इचुष्यानाम तालव्य, ये अलग है, यानी कि इकार, चवर्ग और श, इन ये जो शब्द बोले जाते हैं ये तालु से बोले जाते हैं, तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। उपध्यमान ओष्ठयो, होठ से बोले जाने वाले वर्ण उ है, पवर्ग है, ये आपके इन सूत्रों का है, ठीक है, आपने जो लिखे हैं। इसके अलावा लिखा है आपने रिटूर शाणा मूर्धा, देखिए आपने जो टाइपिंग की है कोशिश अच्छी है हिंदी में की, संस्कृत में आप कर रहे हैं, लेकिन ये सही सूत्र है रिटूर शाणा मूर्धा, यानी र टवर्ग इनकी जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा का है, ठीक है। हाँ दशरथ जी, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये स्वरों के भेद हैं, बिल्कुल सही, लेकिन स्वरों के मेन भेद में अब हम पहले हम मूल स्वर लेंगे कि इसके मूल स्वर और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर पहले केवल हम इन स्वरों के दो ही भेद कर रहे हैं, कौन कौन से, मूल स्वर और आपका संयुक्त स्वर। देखिए मूल स्वर और संयुक्त स्वर केवल दो, क्योंकि जो मूल स्वर है आपके ए ई ऊ री लि, ये आपके जो मूल स्वर हैं, तो उन मूल स्वरों में भी और स्वर जुड़ने पर भी, ये वाले क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि इसमें संयुक्त स्वर कौन से हैं, और कंफ्यूजन ये होता है भाई संयुक्त क्यों हो जाएंगे, सोच के देखिए संयुक्त क्यों हो जाएंगे, स्वर तो स्वर है, लेकिन ये सवाल जरूरी है आपके लिए जानना कि स्वर भी मुख्य भी होते हैं और वास्तव में संयुक्त भी होते हैं। कई जगह बच्चों ने आकर हमसे, स्टूडेंट ने ये पूछा कि मैडम स्वर तो स्वर होते हैं, उसमें तो भाई आपके लिए ये कहिए कि संयुक्त स्वर ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं होते हैं आपके। देखिए निशु शर्मा जी, हेलो, देखिए इसमें जो मूल स्वर है जिन वर्णों में, देखिए मूल स्वर को ले लेते हैं पहले हम, मूल स्वर कौन से हैं, मूल स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती, वो आपके मूल स्वर है, कि मतलब जो जैसे बोले जाते हैं और जैसे लिखे जाते हैं वो आपके पर्टिकुलर आपके समक्ष उसी रूप में हो, तो वो आपके मूल स्वर है। मूल स्वरों की संख्या आपकी 5 होती है, मूल स्वर आपके 5 होते हैं, ठीक है। मूल स्वर, क्योंकि ज्यादातर सभी ये कह देते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये होते हैं, ये बात सही है आपकी, मैं ये नहीं कहूंगी कि जो आप कह रहे हैं वो सही, लेकिन कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इनमें संयुक्त स्वर कौन सा है, या फिर दीर्घ स्वर कौन सा है, या ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो ह्रस्व स्वर अगर हम लेके चले जाते हैं, अगर वो आपसे पर्टिकुलर भेद में ले जाकर मूल और संयुक्त के रूप में क्वेश्चन आपके आगे पुटअप करेगा, तो उस समय आपके मूल स्वरों में 5 ही आएंगे, कौन कौन से होंगे, ए ई ए ई उ री और लिरी, ये आपके कौन से स्वर हैं, मूल स्वर। मूल स्वर केवल आपकी इनकी संख्या 5 होती है बेटे, संस्कृत में मूल स्वर 5 होते हैं, बिल्कुल सही, किसने दिया है ये, अश्विनी यादव जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मूल स्वर आपके 5 होते हैं, ये बात सही, आप सभी के जवाब। इसके अलावा आप संयुक्त स्वर कौन से किस से होकर बनते हैं, अब हम आपको ये बताएंगे। देखिए मूल स्वर आपके 5 हो गए, मूल स्वर आपके 5 हैं, तो उस अब आपके संयुक्त स्वर आ जाते हैं, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर दूसरा आपका था संयुक्त स्वर। अब संयुक्त क्या है, पहला सवाल तो हमारे आगे, भाई मूल तो मूल है ही जो पर्टिकुलर हमारा है,
लेकिन संयुक्त क्या है? संयुक्त आपकी वो चीज है जब किसी एक स्वर के साथ हम दूसरे स्वर को जोड़ दें, वो आपका संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो संयुक्त स्वर आपके साथ होते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? सात। संयुक्त स्वर आपके साथ होते हैं, संयुक्त स्वर। ठीक है, आप में से कोई बताएगा संयुक्त स्वर? संयुक्त स्वर आप बताइए। संयुक्त स्वर सात कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा भाई? बताइए आप अपने कमेंट में। राधे राधे, तृप्ति जी, राधे राधे। प्रियंका जी, मैडम जी, हम भूल जाते हैं कुछ देर के बाद। तो आप, यदि आप भूल जाते हैं, वो बात सही है प्रियंका जी, लेकिन आप, एक कहावत है कि बार बार किसी चीज को आप करते हैं, एक अभ्यास में लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए, बहुत से स्टूडेंट इस तरह के होते हैं, आप किसी भी चीज़ को 2 से 3 बार आप तक उसे रिवाइज करें, वो भी लिखकर, तो आप नहीं भूलेंगी। ठीक है, और यदि लिखने का समय नहीं मिलता तो आप जो भी चीज़ करें, या तो आप भी पढ़ाई करें या फिर उसे आप लिखने में प्रैक्टिस में लाएं, तो वो चीज़ आप भूलेंगे नहीं। और क्या चीज़? हाँ भाई, संयुक्त स्वर आपके साथ होते हैं। ये जवाब अभी किसी का नहीं आया कि संयुक्त स्वर। हाँ दशरथ जी, ए ए औ औ, बिल्कुल सही। आ ई उ ए ए ओ ओ, पूजा जी सही जवाब है आपका। ये क्षेत्रज्ञ संजय जी, ये क्षेत्रज्ञ, ये जो आपके तीनों वर्ड हैं, ये आपके व्यंजन में आते हैं। ठीक है, ये आपके इसमें नहीं आएंगे। दशरथ जी सही जवाब है। जिन बच्चों ने अपने जो जवाब दे रहे हैं या लिख नहीं पाए हैं, आ ई ए ए ओ ओ, ये आपके सही जवाब हैं, किंतु इससे अतिरिक्त जो शब्द आते हैं वो आपके व्यंजन में चले जाएंगे। जो स्वर हैं आपके, उन्हीं के अंदर से आपको बताना है। जैसे हम लोग ले लेते हैं आपका इसमें ए वर्ड, पहला हम लेते हैं, इन सात उसमें पहला लेते हैं ए, ए। तो अब ए शब्द इस किस किस चीज से संयुक्त हुआ है बताएंगे आप अपने कमेंट में? ए किस किस से संयुक्त हुआ है, मतलब ए में ऐसे कौन से दो स्वर हैं जिनके संयोग से हमारा ए शब्द बना है, बताइए कमेंट में। स्वाति जी बताइए, संजय, तृप्ति, स्वाति जी बताइए। ई प्लस ए, ये ईशिमी, माही, माही जी, ये आपका इंग्लिश में टाइप नहीं होता क्या? कोशिश, वो हिंदी में टाइप नहीं होता, आप थोड़ा टाइप करने की कोशिश कीजिए, इसमें हिंदी की टाइपिंग आप अपने में डाउनलोड कर लीजिए, तो आजकल तो सभी चीज़ें अवेलेबल इजीली हो जाती हैं। वैसे सही है आपका माही जी, ए प्लस ई, बिल्कुल सही, ए प्लस ई, जिस जिस का भी जवाब है बिल्कुल सही है कि ए प्लस ई बराबर ए होता है। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं आ, ये तो इजीली सबके पास होगा, इसलिए इसका मैं नहीं आपसे पूछूंगी, इसका मैं खुद ही बता देती हूँ। ए प्लस ए, आ में ए प्लस ए बराबर आ। इसके बाद मैं आपको एक शब्द देती हूं दीर्घ ई, इसमें बताइए कि कौन कौन से वर्ड हैं दीर्घ ई में, दीर्घ ई में। अनुराधा जी, ए प्लस ई, ये आपने ए का दिया होगा शायद, सही है। मोहित जी आपका भी सही है,
अश्विनी जी आपका भी सही है, ए प्लस ए बराबर दीर्घ ए, दशरथ जी सही है बिल्कुल। लेकिन फिलहाल आप मुझे ई का बताइए, दीर्घ ई का, दीर्घ ई। ई के लिए आएगा आपका ई, ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई, ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, ये आपका बनेगा। इसके बाद आपका आता है संयुक्त स्वर में ही आपका, हम एक से पूछते हैं ए, ए। तो इसमें आपका क्या है बताइए, इसके लिए कमेंट करके। बताइए भाई सभी, दीर्घ ए में कौन कौन से वर्ण हैं, कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनके संयुक्त होने पर आपका दीर्घ ए बना है। ई प्लस ई बराबर अनुराधा जी सही जवाब है। बताइए, हाँ भाई ए के लिए आपका आएगा, इसका किसी का भी कमेंट अभी तक मेरे पास नहीं आया है, ए प्लस ए, दशरथ जी बिल्कुल सही जवाब, ए प्लस ए। क्योंकि ए शब्द तो आपका जो हमने पहले लिया था आपका ई और ए से संयुक्त होकर, ए प्लस ई ये दोनों स्वर आपके जुड़े तो ए बना, अब हमें दीर्घ ए बनाना है। दीर्घ ए के लिए क्या करेंगे हम, दीर्घ ए के लिए ह्रस्व ए को जोड़ेंगे और उसके साथ आपका जुड़ेगा अ, तो आपका अ जुड़ने से आपका ए शब्द बन जाएगा। ठीक है संजय जी, बिल्कुल सही जवाब है। अब है आपका ओ, कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि ओ शब्द आपका किन दो शब्दों से बना है, कौन से ऐसे स्वर हैं जिन स्वरों के योग से आपका ओ शब्द बना है। देखिए ओ, बताइए तृप्ति, ए प्लस ए बराबर आए, नहीं ए प्लस ए बराबर आए नहीं होगा तृप्ति जी, ए प्लस ए आपका दीर्घ में लेकर जाएंगे। पूजा जी बिल्कुल सही है, दीर्घ ई का। रामनाथ जी आए प्लस ए, यदि आप इन दोनों को संयुक्त करते हैं आए प्लस ए, तो आपका वो दीर्घ ए तो आपने लगा दिया और हमें दीर्घ ए ही तो बनाना है, यही स्वर तो बनाना है, तो उस स्थिति की कंडीशन ये आएगी आपकी। हम लोग एग्जाम में जब ये गलती करते हैं, स्वाति जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ए प्लस ऊ राइट आंसर, ए प्लस ऊ, ए प्लस ऊ बराबर ओ, ये आपका संयुक्त स्वर बनेगा। अब आपका भाई हम दीर्घ ओ ले लेते हैं, जिस भी स्टूडेंट ने ये जवाब दिया है ए प्लस ह्रस्व ऊ, ये जिन जिसने जवाब दिया है राइट आंसर है, उन सभी के सही हैं। संजय जी, स्वाति जी, सुनील कुमार, अश्विनी, तृप्ति, सबका सही है, आपके सबके सही आंसर आ रहे हैं। ए प्लस, ये सुनील जी आपका इसमें क्लियर नहीं आया है, अनुराधा, ए प्लस ऊ बराबर ओ, ये सही है। अब हमें दीर्घ आओ का पूछना है, ओ का नहीं, दीर्घ आओ, दीर्घ आओ में बताना है आपको। ये किसका जवाब है, दशरथ जी, ए प्लस ओ बराबर आओ, बिल्कुल सही जवाब है, ए प्लस ओ, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है कि इसमें आपके दो वर्ड है औ में ए प्लस ओ। ठीक है,
एक और है आपका, सात हो जाएंगे फिर ये वाले, री। री शब्द है ये आपका। आप ये कहेंगे री तो होता है भाई, ये सीधा साधा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस समय आप रूप पढ़ेंगे, आपके आगे जिस समय आपके ये अकारांत इकारांत रिकारांत जब रूप आते हैं और रूप में आप बहुवचन में जाते हैं, तो उसमें सप्तमी विभक्ति में और द्वितीया विभक्ति में बहुवचन में जाकर, दोनों में ही बहुवचन में आपके दीर्घ लगते हैं, तो उस समय री शब्द जहां पर आता है वहां पर ये री आता है, जैसे पित्राणाम, ठीक है। तो ये आपका री प्लस री, इन दो शब्दों के योग से बनेगा री, ठीक है। ये आपका दीर्घ है अनुराधा जी, ए प्लस ओ, ये तो आपने आगे का जवाब दे दिया है, ठीक है। तो ये आपके स्वर जो संयुक्त स्वर हैं वो आपके बताए जा रहे हैं, आपके मूल स्वर और संयुक्त स्वर पूरे हो गए, जिसमें आपके मूल स्वर अभी हमने कितने बताए थे, पांच, ठीक है। उसके बाद हमने जो आपको संयुक्त स्वर बताए वो कितने थे बताएंगे, संयुक्त स्वरों की संख्या लिखकर भेजो जल्दी से। संयुक्त स्वर बताइए, संयुक्त स्वरों की संख्या बताइए, अभी बताकर निपटे हैं भाई क्लास में, कमेंट बॉक्स में किसी का भी अब तक कमेंट नहीं आया है मेरे पास। ये फाइव आपने शायद मूल स्वर के बारे में लिखा है मोहित जी, इसके आगे आप ये भी लिख दीजिए कि किसके बारे में बता रहे हैं, मूल या फिर संयुक्त, ठीक है। मोहित जी सेवन, ये आपने मेन लिख रखे हैं कि फाइव सेवन, अब इसमें तो मुझे ये भी नहीं पता कि आपने फाइव संयुक्त को माना है या मूल संयुक्त को या मूल को माना है। संयुक्त सात, मोहित जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। कामनी मैम की क्लास नहीं हुई है क्या, कौन, हाँ ये क्लासेस अभी आपके पूरी होने के बाद, उसके बाद कामनी मैडम की आपकी क्लास होगी, गोल्डी सर की क्लास होगी आपकी, ओके, ठीक है। ये आपके स्वर हैं, स्वरों के भेद आज आपको सिर्फ मैं इतने ही बता रही हूँ, मूल और संयुक्त, कल के क्लासेस में इनके समय के आधार पर काल के आधार पर इन स्वरों का विभाजन करेंगे। अभी हम ये स्वरों का पूरा नहीं हुआ है टॉपिक, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखकर आज आपको मैं इतना ही बता रही हूँ कि स्वर क्या है, स्वर कौन कौन से हैं, उसमें ह्रस्व और दीर्घ कौन से हैं, ह्रस्व और दीर्घ में भी उसके बाद आपके इन स्वरों का जो विभाजन है वो किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। ये आपके विभाजन हो चुका है, अब इस विभाजन के बाद जब हम आपके आगे का कराएंगे तो वो स्वर भेद होगा आपका, स्वर भेद होंगे काल के आधार पर, काल के आधार पर। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको ये वर्क कराएंगे, अच्छा। आज आप सभी मेरे साथ रहे लाइव, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। जय हिंद जय भारत, हम संस्कृत वाले कहते हैं जय तू संस्कृतम जय तू भारतम।